अभी हम यहाँ पे रात भर रुके थे और हम निकल रहे हैं जंजीरा फोर्ट के लिए। तो वहाँ पे ऐसे कोई जगह पे रुके थे हम कोकन में, ये बहुत अच्छी, हाँ इसको देख लो गाइस, तो यही कुछ जगह है, बहुत सही घर है इधर, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर है, फुलान है। तो फिर अभी हम जा रहे हैं फोर्ट जंजीरा फोर्ट, तो मैं आज आपको बताऊंगा जंजीरा फोर्ट के बारे में, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा है, थोड़ा सा पढ़ा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा तो नहीं बता सकता पर बता सकता हूँ। ये आंटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे जिन्होंने हमको रुकने दिया है। तो अब हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके थे, और ये है वो, यहाँ से वो व्यू देखिए कितना सही व्यू है, और हम सब रेडी हो गए, अभी हमको जाना है जंजीरा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ नारियल के पेड़ से, तो अब हम बनाएंगे व्लॉग, और सब लोग और एज यूजुअल लेट कर रहे हैं, वो मेरी मम्मी है। हम पी रहे चाय सब लोग, और वो है जंजीरा किला, वहाँ पे हमको जाना है, तो वी विल हैव टू ट्रैवल विद अ बोट। यहाँ पे फेरी मिलती है, यहाँ पे फेरी पॉइंट है, तो ये है व्यू, बहुत सही व्यू है, हमको सनसेट भी देखने मिला, और दिस इज द सनराइज, और सनसेट हमने कल ही देख लिया, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। अभी गाइस अब आप हैं सी के, नहीं सी सी समंदर, अरेबियन सी के किनारे किनारे, तो ये है वो, और ये हो रहा है सनराइज, एकदम क्लियर व्यू। तो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा जंजीरा के बारे में, वो है जंजीरा, ये जो मेरा फिंगर है वो, समंदर के किनारे, तो वो है कैमरा, वो है जंजीरा फोर्ट, और अभी हमको वहाँ जाना है, तो वहाँ से वो है वो पॉइंट जहाँ पे आपको टिकट निकालनी पड़ेगी, और वो है वो शिप नहीं बोट जिससे आपको जाना है, तो आपसे जहाँ पे आप मैगी वैगी खा सकते हैं, तो वही देखिए शॉप का नाम वगैरह, पोर्ट का नाम है खोराबंदर पोर्ट। हम आ गए बोट के पास, ये है वो बोट हमको जो लेके जाने वाली है, और ज्यादा दूर नहीं है ये, शायद आधा किलोमीटर का रास्ता होगा इधर से इधर, ये देखिए कितना सही लग रहा है एकदम, बहुत सही। और ये लोग अभी से डर रहे हैं, ये लोग ये हमेशा डरते ही रहते हैं वैसे भी, और इनका प्लान है शायद ये नहीं उतरना, और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एकदम समुंदर के किनारे, एकदम ही किनारे जहाँ पे लहरें आ रही है, देखिए एकदम ही किनारा है वो। टिकट 80 रुपीज़ है, तो यहाँ से आपको 80 रुपीज़ में वहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे 25 रुपीज़ की एंट्री टिकट होगी जहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो 80 रुपीज़ वाली आपको यहाँ से मिलने लेनी, यहाँ से मिल लेना बैठेंगे बोट में, तो यहाँ पे इसके ऊपर बैठने का भी ऑप्शन था जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, पर हमको बैठने को नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी 5 लोग ही बैठ सकते हो और वो जगह फुल हो गई, तो अभी हम बैठ गए और जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरी दीदी है, ये डॉक्टर है, और ये हमारी आंटी है, ये पुलिस, और ये मेरा दोस्त है, ये इंजीनियर है, और ये मेरे अंकल है, और ये बिजनेसमैन है। शुरू हो चुकी है, हमारी बोट चल पड़ी है, हम यहाँ आ गए गाइस, ये देखिए फोर्ट, ऐसा है कि हमको ये वाली बोट से बीच समंदर में यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, ये वाली बोट पे, जस्ट बिकॉज क्यों शिफ्ट किया हमको इधर, ये बोट क्यों नहीं जाती, बजाओ नीचे बजाओ, खड़ा नहीं रहने का है, बैठने का ही। पहली की शिफ्ट थी, और ये हमारी अभी वाली शिफ्ट है, ये मैनुअल वाली है, इसमें वो नहीं है मोटर, और ये अंकल है ये ज्यादा गुस्से से बात कर रहे हैं।
हवे वाली बोट है, इसमें डर लग रहा है थोड़ा सा, हिलती जाती है बार बार। फिर इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि ये बोट, ये वाला डोर गाइस। तो अभी ये भैया बता रहे थे कि हमारी बोट का नाम सुल्तान है और सिर्फ हमको इसी बोट पे वापस आते वक्त बैठना है, नहीं तो हम दूसरे गांव चले जाएंगे। और ये देखिए डोर, और ये अभी खुला है, तो हमने पहली एंट्री की है क्योंकि रात भर हमको यहाँ हम रुके थे, आज बहुत जल्दी आ गए और पहली एंट्री मारी है इधर, क्योंकि कल हम बहुत लेट आए थे और हमको देखने नहीं मिला था, सब बंद हो गया था। आना है अभी, कैसे जाना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आना पड़ता है ऐसे उतर उतर के, थोड़ा सा डर का माहौल तो है। ये फोर्ट के एंट्रेंस पे बना हुआ है ये एक आर्ट जो कि है कॉइन के ऊपर रहता था उस राजा के जो यहाँ पे रूल करता था। दिखता है कुछ ऐसा फोर्ट का एंट्रेंस, सॉरी। तो ये है वो एंट्रेंस और अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आए हैं। तो गाइस अभी हम करेंगे करते ही यहाँ पे होता है टिकट चेक, यहाँ पे टिकट नहीं, टिकट काउंटर है, 25 वाला टिकट लेना पड़ता है यहाँ से। यहाँ पे टॉयलेट है, ये रोते इधर। गाइस ये वो 25 रुपए वाला टिकट, ये आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, ड्यूटी मिलेगी, यहाँ पे रुकना है हमको थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर बाबा तुम्ही सामा तुम्हारे ब्लॉग में लिए, तो ये हमारे डॉक्टर अंकल हैं, अभी उनको रुकना पड़ेगा। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जर्मनी। ओ सो आई हैव अ YouTube चैनल ओके ओके यस वांट टू टेक अ पिक्चर या आई एम टेकिंग यू इन अ व्लॉग ओके सो हाउ यू केम आई केम हियर बाय आई मीन बाय बस नो मी आई मीन व्हाट रॉक इज हियर Like, I want to visit Janjira Fort, but I like Murud, so I stay a few days. And yesterday I was visiting Raigad from here. We will go there from here. Ah, yeah. By car. Do you go by car? We are traveling. That's easy. By bus is very difficult. But it was nice. What's your name? My name is Stefan. Subscribe to the Rocket Vlog. Okay. ऊपर आ गए जहाँ पे है बहुत सारी तोप, मतलब कैनन्स, और ये है सबसे बड़ी कैनन जिसका नाम है कैनन बांगड़ी, कलाल बांगड़ी, जो है 22,000 केजीज की, और ये बनी है अष्ट धातु से, मतलब 8 मेटल को मिलके, जो कि कभी गर्म नहीं होती दिन भर में, सो बार बार फायर करने के बाद भी ये गर्म नहीं होती और ये चलती रहती है, और ये 7 से 8 किलोमीटर तक इसका ये जाता है, जो बॉल, जो क्या बोलते, जो भी रहता है की तो जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी है। तो हमको यहाँ पे मिला है सिर्फ 45 मिनट्स घूमने के लिए, क्योंकि 45 मिनट्स में हमारी बोट आ जाएगी जिसका नाम है सुल्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुल्तान वो जो बोट है उस पर ही बैठना है, क्योंकि दूसरी बोट पर बैठेंगे दूसरे गाँव चले जाएंगे, फिर हमारी गाड़ी नहीं मिलेगी। ये ऊपर का व्यू तोपों से ये है प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसको कोई इस फोर्ट के बारे में सबसे खास बात ये है कि ये फोर्ट चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इस फोर्ट को कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि ये देखिए ये हर तरफ से प्रोटेक्टेड है हर के लिए। तो आपको लग रहा होगा मैं टूरिस्ट गाइड ऊपर टूरिस्ट गाइड फोर्ट फिलहाल के लिए तो टूटा फूटा सा है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया है, स्टिफ पायरी है जो उतर के नहीं आ रहे। गाइस ये पहले यहाँ पे गांव था, मतलब यहाँ पे लोग रहते थे, दो टाइप के लोग, दो समाज के लोग रहते थे, एक थे कोली जो फिश पकड़ते थे और एक थे मुस्लिम्स, वो लोग यहाँ पे रहते थे। उसके बाद जब यहाँ का राजा चला गया तो
बिहार से लिए क्योंकि राजा ही उनको काम देता था, तो फिर कोई रानी उनको काम नहीं देती। सबसे खास बात है किले की, मैं आपको इस किले के सबसे ऊपर वाले पॉइंट वहां पे जाके बताऊंगा, जो कि सबसे लाइक मोस्ट मतलब इस प्लेस को विजिट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज या जो भी जो छोटा सा इधर ये जाने का रास्ता है जो कि सैनिक के लिए रखा है, तो यहाँ पे शायद कुछ है जो आपको मैं दिखाऊंगा। एकदम ज्यादा इफर्ट लेके बना रहा हूँ ये ब्लॉग में। और यहाँ से जाने के बाद ये है जहाँ पे सैनिक रहते थे और देखते थे कि कोई आ रहा है या नहीं दुश्मन। यहाँ से पानी दिखता है सीधा बाहर, ये आपको देख के दिखाएगा, देख दिया उनका टॉयलेट दिखाएंगे, ये रहा। अरे गलती से हमने इसको कुछ और बोल दिया था। नजर रखने वाला, हाँ ये जगह है जहाँ से वो नजर रखते थे। ये देखिए खिड़कियाँ 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 जहाँ से पूरा समंदर दिखता है। तो इट वाज वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट, सो नो वन कुड हैड विक्ट्री ऑन इट। और ये एंड तक उसी राजा ने रूल किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें देख लीजिए क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और हर चीज इतने देखने लग रही है, बाकी सब नॉर्मल ही हो। बताओ गाइस, ये सब स्ट्रक्चर इंटरलॉकिंग है जहाँ पे एक के ऊपर स्टोर है, जैसे अपन गेम खेलते थे टेट्रिस जिस पे अपन पजल ब्लॉक जमाते थे, वैसे ही हुआ है। हाँ। तो साथ में इसके सीमेंट जो यूज हुआ है वो समंदर की रेत चूना नीम के पत्ते और ऐसे दो तीन चीज को मिक्स करके बनाए, जिसके कारण बहुत अच्छा है और ड्यूरेबिलिटी बहुत है। अब ये डॉक्टर करेगी आर्कियोलॉजिकल बात, तो ये कुछ बताएगी। और ये भुयारी मार्ग है जहाँ से ये किले से लोग दूसरे गांव में जाते थे, ये वही रास्ता है। हाँ। बहुत किलोमीटर भुयारी मार्ग मतलब केव, तो इस के लिए बंद कर दिया है। अभी बंद कर दिया क्योंकि अंदर पानी चला गया है उसके, क्योंकि वो खराब हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे इनके जमाने का बाथटब। तो ये है इनका बाथटब, छोटा सा ही है। और खारे पानी के समुद्र के बीच में एक जो खारे पानी के बीच में यही एक जो फ्रेश वाटर का सोर्स है। इस किले के इस किले में जो पत्थर लगे वो इसी जगह से निकाल के बना रहे हैं, नीचे स्प्रिंग्स लग गए और यहाँ पे फ्रेश वाटर आ गया। दूसरा बाथटब जहाँ पे 10-12 लोग एक साथ नहा सकते, स्विमिंग पूल। एक मच्छी मर गई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉप। यहाँ पे डस्टबिन रखे हैं, तो कचरा भाई यही पड़ा है, यहाँ वहाँ बच्चे थे कुछ लोगों ने पॉन्ड में फेंका है, कुछ अच्छी बात नहीं है। पर हम थक गए गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके, ऊपर आ जाते पर आना मार्केट है, यहाँ से आपको एंडलेस व्यू दिखेगा। तो देखिए व्यू फोर्ट, यहाँ से चारों तरफ का नजारा दिखता है और यहाँ आपको 22 एकड़ में जो जगह है वो भी दिख जाएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए और चारों तरफ कौन सा सी है, अरेबियन सी। The highest point of this, मैं आपको इस फोर्ट को चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। टाइम हो गया कि ये जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल की टूर्स भी आती है, सो इफ यू आर वाचिंग अ स्कूल यू कैन बी योर टूर हियर। महाराज की जय। गाइस, ये फोर्ट में मस्जिद और मंदिर दोनों थे, ये शायद मंदिर है और ये शायद मस्जिद है। और यहाँ पे ये दूसरा पानी का सोर्स, ये उतना खास नहीं है, पर वो जो पहले वाला था वो बहुत ज्यादा खास था क्योंकि वो कभी भी सूखता नहीं है। जय जय शिवाजी, जय शिवाजी। हेलो, जय हेलो। फोर्ट के ऊपर बैठने वाली जगह हासिल कर ली है, यहाँ पे से 5 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि उनका उधर तो कोर्ट का कुछ रहता है इशू। तो अब हम ऊपर बैठ गया, देखते हैं ऊपर से कैसे मजा आता है। मेरी मम्मी तो बैठने की परमिशन नहीं दे रही थी, फिर भी मैं चढ़ गया, फिर अभी उतर भी नहीं सकता, तो अच्छी बात है। ऊपर भी आप बैठ सकते, देखिए यहाँ पे पकड़ने वकड़ने का कुछ रहता नहीं है, एट योर ओन पेस।
आगे भी हेड भी ले सकते, पर ये हेड लड़कियों की है।